नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजीत। कोरोना एक बार फिर से वापस आ रहा है। जी हां, लगता तो ऐसे ही है क्योंकि पिछले 24 घंटों में जो केसेस आए हैं वो डराने वाले हैं। 1800 से ज्यादा केसेस देखे गए हैं, साथ ही कुछ राज्यों में मौत की भी खबरें आई हैं। तो बार बार ये सवाल उठ रहा है कि क्या कोरोना एक बार फिर से वापस आ रहा है। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मनोज कुमार सर जुड़ रहे हैं जो कि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी मेरे साथ जुड़ रही हैं, सीनियर इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। और बड़ी बात यह है कि डॉक्टर स्वाति को हमने पिछले कोरोना में देखा था कि उन्होंने तमाम तरीके से जानकारी भी दर्शकों को दी थी और उन्होंने तमाम टिप्स भी दिए थे। लेकिन मनोज जी, मैं पहले आपके पास आता हूँ। सर, क्या हम ये कह सकते हैं कि कोरोना वापस आ रहा है? जी बिल्कुल बेझिझक आप कह सकते हैं कि कोरोना वापस आ रहा है। और अभी जो आपने आप रिपोर्ट में भी दिखा रहे हो, करीब करीब 1900 केसेस पर डे आ रहे हैं और एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ गई है। तो XBB.1.16 जो वेरिएंट है वो एक समझिए कि सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, वही ड्राइविंग है इस बार। और जिस तरीके से रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है इसमें कोई पैनिक वाली बात तो नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर एक डर होना चाहिए, एक जो वाजिब डर है मन में होना चाहिए लोगों के कि अब कोरोना फिर से वापस दस्तक दे रहा है। तो जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं, जो भी प्रिवेंशन की चीजें हैं, जैसे केंद्र सरकार ने भी अपने एडवाइजरी में कहा है कि टेस्ट ट्रैक ट्रीट एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन, इन पांच चीजों पे जोर दिए। तो जो लोग भी जिन्होंने प्रिकॉशन डोज नहीं लगाया उनको लगाना चाहिए। और मैं यहाँ एक बार आपके माध्यम से ये बता दूं कि कोरोना का बार बार होना बिल्कुल ठीक नहीं है। कोरोना कोई फ्लू नहीं है या कोई एक मामूली वायरल इलनेस नहीं है, क्योंकि आप अभी तक देख रहे हैं, देखिए हमारे देश में जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो पहले से ज्यादा है, अनुवांशिक तौर पे हम लोगों को ज्यादा होती है। लेकिन विगत दो वर्षों में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से एक्यूट हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं, जिस तरीके से सडन कार्डियक डेथ का इंसिडेंस बढ़ा है, ये सारे लॉन्ग कोविड जो एक कॉम्प्लिकेशन से उसकी वजह से हो रहा है। क्योंकि कोविड ने जिस तरीके से ब्लड वेसल्स को बिल्कुल लाइनिंग को खरोच दिया है, छील दिया है, और जिस तरह से क्लॉट बन रहा है, तो मुझे लगता है कि कोरोना जब वापस आ रहा है और जिस रफ्तार से केसेस बढ़ रहे हैं, इस समय कोई भी असावधानी बरतने की गुंजाइश नहीं है। लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में जाना होगा, अपनी रेस्पिरेटरी एटिकेट्स को चेंज करना होगा, और खास करके ऐसे लोग जिनको पहले से कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट का फंक्शन कम है, किडनी की प्रॉब्लम है, उन लोगों को बिल्कुल भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना चाहिए। और मुझे बेझिझक मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कोरोना फिर से वापस आ रहा है, और जिस रफ्तार से आपने पिछले 3-4 दिनों में केसों की संख्या बढ़ती हुई देखी है, आगे और भी बढ़ेगा। ठीक है, मैं सर लौट रहा हूँ आपके पास। मेरे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी हैं, सीनियर फिजिशियन है। डॉक्टर स्वाति, बड़ी बात यह है कि डॉक्टर मनोज ये कह रहे हैं कि वापस आ रहा है, वो बेझिझक इस बात को कहते हैं। क्या हालात आने वाले वक्त में और ज्यादा खराब हो जाएंगे, आपको ऐसा लगता है? देखिए, जिस तरह से अब परिस्थितियां बदल रही हैं, कि चाहे मौसमी परिस्थितियां हो, चाहे लोगों जिस तरह से अब हम लोग अपनी गतिविधियों की तरफ दोबारा बढ़ चुके हैं, उन सब स्थितियों को देखते हुए एक साफ सी बात देखिए सामने आती है कि ना केवल मनुष्य, एक वायरस भी जो है वो भी काफी कंफ्यूज्ड है इस वक्त। तरह तरह के इस वक्त हम वायरसेस देख रहे हैं, जो कि खासतौर से हमारे रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। चाहे मेडिनो वायरस की बात करें, चाहे H3N2 फ्लू की बात करें, चाहे अब हम कोरोना के संक्रमण देखिए बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो हमें भी ये चीज़ को समझना होगा कि जब मौसम में इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ आ रही हैं और हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी अब खुल करके होने लग गई है, ऐसी स्थिति में हमें इस चीज़ का लगातार एक खतरा रहता है कि कोरोना का संक्रमण दोबारा फैल सकता है। क्योंकि विश्व से अभी भी हम ये बात नहीं बोल पाए कि हमने कोरोना को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, और ना भी हम कर भी पाएंगे इसको। ऐसी स्थिति में हमें लगातार एक अलर्ट पे रहना ये बहुत जरूरी है कि हम जो अपने काम है वो जरूर करते रह सकते हैं, लेकिन हमें अलर्ट पे रहना है कि अगर हमें संक्रमण के शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं तो हमें खुद को आइसोलेट करना है, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना है। अगर हम कहीं भीड़ भाड़ की जगह में जा रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें। अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ का खासतौर से ध्यान रखना है कि क्या हम ऐसे देशों में या ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ की संक्रमण बढ़ा हुआ है, क्योंकि ना केवल बाहर के देश पर, इंडिया में भी देखिए हमने अब पिछले 1-1.5 साल से हम लगातार ये देख रहे हैं कि जब संक्रमण फैलता है तो पूरे भारत में नहीं फैल रहा है, बल्कि कुछ कुछ हॉट
स्पॉट्स या जो हम पॉकेट्स बोलते हैं वो बनती हैं जहाँ पे संक्रमण ज्यादा तेजी से फैलता है। इसलिए हमें इन चीजों का थोड़ा सा खास तौर से ध्यान रखना होगा कि अगर हम कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं तो वहाँ संक्रमण का दर कैसा है और क्या लौट के आने के बाद हम खुद को थोड़ा आइसोलेट कर रहे हैं, घर के लोगों से अपने आप को दूर रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। ये चीजें हमें डेफिनेटली अभी कुछ समय के लिए और करते ही रहने पड़ेगी। और जैसे अभी डॉक्टर मनोज सर ने बोला, देखिए बहुत जरूरी है कि हम वैक्सीनेशन को लेकर के जो हमारी एक उत्सुकता थी या एक जो हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट था या एक जो हम पैशन के साथ उसके लिए बढ़ रहे थे, उसको हमें ढीला नहीं करना है। हमें लगातार इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर वैक्सीन नहीं ली है तो जरूर ले। डॉक्टर स्वाति, एक और सवाल है कि क्या आपने तो देखा है पिछले जो कोरोना थे और मैंने देखा कि बहुत सारे प्रोग्राम भी हमने के साथ में, क्या आपको लगता है कि उतना ही खतरनाक है ये वायरस जितना पहले था, या आपको लगता है जो पहले था उससे ये कमजोर है, सावधानी बरतें तो बेहतर है? देखिए अब ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स ही हैं जो कि ज्यादातर हम देख रहे हैं और अभी जिसकी हम बात भी कर रहे हैं XBB.1.16, ये भी ओमिक्रॉन का ही सब टाइप है। इससे पहले जो थोड़ा सा हमने संक्रमण बढ़ते हुए देखा था वो भी इसका 1.5 वाला वर्जन ही था। अब ओमिक्रॉन डेल्टा जितना खतरनाक डेफिनेटली नहीं है, ये पिछले कुछ समय में हमने खासतौर से देखा जिस तरह से फीवर पैटर्न है, जिस तरह से मरीजों के ठीक होने की संभावनाएं है और जिस तरह से अब वैक्सीनेशन भारत में हो चुका है, इन सभी चीजों को देखते हुए एक तरह से उतना खतरनाक ये वायरस नहीं दिख रहा है। लेकिन क्योंकि वायरस में स्पाइक म्यूटेशंस हैं, खासतौर से 3 और स्पाइक म्यूटेशंस हैं जो कि दिखाई दे रहे हैं, इसकी वजह से इसकी जो बढ़ने की क्षमता है या फैलने की क्षमता है वो जरूर बढ़ जाती है और इस वजह से चिंता का विषय बन जाता है। क्योंकि देखिए जब संक्रमण फैलता है तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, हृष्ट पुष्ट है, जो कि आसानी से इससे लड़ लेते हैं और 2-3 दिन बुखार होता है और ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पहले से बीमारियां हैं, जो पहले से रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं है या बड़े बुजुर्ग है, ऐसा वर्ग जो है वो ज्यादा तीव्र बीमारी को झेलता है। इसलिए इस चीज को हम फिल्टर आउट नहीं कर सकते हैं कि संक्रमण अगर फैलेगा तो किसको होगा किसको नहीं होगा। इसलिए बहुत ज्यादा सतर्कता की जरूरत है और इसलिए सभी के एहतियात बरतने की जरूरत है ताकि संक्रमण तेजी से नहीं फैले और हम उसको पहले ही कंटेन कर पाए। और देखिये इस बार तो प्रधानमंत्री जी ने इतने शुरुआती स्टेप पर ही एक सजग कदम उठाया है, पहले से जो है वो इस तरह की गोष्ठियां कर रहे हैं, सभी जो राज्य है उन सबसे समीक्षा की जा रही है कि किस तरह का कार्य हो रहा है, किस तरह से मॉक ड्रिल्स को फिर से करने की जरूरत है। तो सरकार अपनी तरफ से पूरी तेजी दिखा रही है और ऐसी ठीक है ठीक है डॉक्टर स्वाति, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मनोज सर, बड़ी बात यह है कि पिछले 2-3 जो कोरोना के वो थे साल आपने देखा होगा, लेकिन एक रिपोर्ट सर है, मैं उसका जिक्र आपके सामने करना चाह रहा हूँ। 8,60,000 लोगों पर एक अध्ययन किया गया और उसमें पाया गया कि जिनका वजन ज़्यादा है, महिलाएं, धूम्रपान करने वाले, या 40 वर्ष से जिनकी आयु ज़्यादा है, या तो उनके उनके ऊपर कोरोना का असर ज़्यादा रहा, लंबे वक्त तक रहा, वायरस दूर नहीं गया। और दूसरा जो एक और रिपोर्ट मैं देख रहा था, ब्रिटेन में ईस्ट एंगेलिया यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट कहती है कि अस्थमा, COPD, टाइप 2, मधुमेह, हृदय रोग और अवसाद के कारण भी कोरोना लंबे समय तक रहता है। तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? नहीं, अभी डॉक्टर स्वाति भी आपको बता रही थी कि खास करके जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज या कोमॉर्बिडिटी, जिनको पहले से कोई बीमारी है, उसमें एक तो कि इसके लक्षण ज़्यादा होते हैं, रेट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा होता है, साथ साथ जो है मॉर्टलिटी रेट या मृत्यु दर जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे लोगों को यही सलाह है कि अभी से ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और देखिए हमारे यहाँ 220 करोड़ डोज लगे वैक्सीन के, बट आप देखिए बूस्टर केवल करीब करीब 27% लोगों को बूस्टर या प्रिकॉशन डोज लगा है। तो बिल्कुल मैं सहमत हूं कि देखिए वैक्सीन जो है वो आपके इन्फेक्शन को तो नहीं रोकती है, बट डेफिनेटली जो सीवियर डिजीज है, हॉस्पिटलाइजेशन है और डेथ को, मृत्यु को रोकती है। दूसरी चीज की अगर देखिए इसमें एक जो वेरिएशन आया, जो अभी डॉक्टर स्वाति भी जिक्र कर रही थी कि जो म्यूटेशन आया है, उसमें एक म्यूटेशन ऐसा है जिसको T478R बोलते हैं, इससे इम्यूनिटी इवेड हो जाती है। इम्यूनिटी इवेड होती है कि पुरानी जो आपको इन्फेक्शन से इम्यूनिटी मिली है या जो वैक्सीनेशन से आपको जो इम्यूनिटी मिली है उसको भी ये सरपास कर जाता है। बट एक चीज है जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में सेलुलर इम्यूनिटी बोलते हैं, वो काम करता है, उसमें एक मेमोरी सेल्स होता है जो कि काम करता है। और खास करके हमने देखा कि डेल्टा के अपेक्षाकृत ओमिक्रॉन में काफी कम मॉर्टलिटी हुई, उसका एक वजह ये भी हो सकता है कि हम लोग इम्यूनाइज्ड हैं बहुत हद तक नेचुरल इन्फेक्शन से और वैक्सीनेशन से। लेकिन यहाँ पे वो लोग जिनको मैंने पहले भी आपको जिक्र किया, और खास करके आपने जो 2 स्टडीज बताई उसके अलावा एक और स्टडीज आया कि इवन माइल्ड कोविड में भी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हार्ट फेल्यूर के केसेस जो हैं उसमें, इवन जिनको माइल्ड कोविड हुआ था, जिनको हॉस्पिटल
जरूरत नहीं पड़ी थी उन लोगों को भी काफी इंसिडेंस जो है वो बढ़ गया था। तो मुझे लगता है कि हर किसी को बचना चाहिए कोविड से, और कोविड से सबसे बचने का अच्छा तरीका यही है कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, मास्क अभी से शुरू कर दें। जैसा अभी डॉक्टर स्वाति बोल रही थी कि इस बार गवर्नमेंट पहले से एक्टिव हो गई है, मतलब एक कहिए कि जो उन्होंने प्रिजम्प्टिव मान लिया है कि हो सकता है कि कोविड का एक नया वेव आएगा, तो उसने उसमें वो काफी सशक्त तौर पे वो इंटरवेन करने जा रहे हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे भी आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना चाहिए, और जिन लोगों ने प्रिकॉशन डोज नहीं लगाए या बूस्टर डोज नहीं लगाए उनको बूस्टर डोज लगाना चाहिए। डॉक्टर स्वाति, आप दोनों ने ही इस बात का जिक्र किया कि सावधानी बरतें, लेकिन हमने देखा था इसके पहले भी कोरोना में, उसके पहले भी कोरोना में, लोग लापरवाही करते हैं और वो लापरवाही चरम पर होती है, मानते ही नहीं लोग। नहीं, मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ी परेशानी है, और ये हम लोगों ने पेंडेमिक में पहले भी, अगर आप इतिहास के पन्ने पलट करके देखें तो लगातार ये दिखता है कि भाई जब आप बहुत लंबे समय तक किसी रोक टोक में लोगों को रखते हैं तब धीरे धीरे उनकी जो सहन शक्ति है वो जवाब देने लगती है, या उनको लगता है कि ऐसे कब तक हम इस तरह से रह सकते हैं, हमें अपना जीवन भी जीना है और मस्ती भी करनी है, काम भी करने हैं। तो कहीं ना कहीं इन दो चीज़ों का एक द्वंद्व अंदर चलता है। लेकिन बहुत ज़रूरी बात जो हमें समझनी है और जो हमने पिछले 2-3 सालों में देखिए झेला भी है कि ज़्यादातर जो मृत्यु हुई वो उन लोगों की हुई जो बड़े बुजुर्ग थे, जिनको पहले से बीमारियां थी, जिनका रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं थी, और सभी के घरों में ऐसे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कोई घर अछूता होगा जिसमें बड़े बुजुर्ग ना हो या किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी ना हो। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएँ तो भारत में बहुत कॉमन हो चुकी हैं। तो हमें ये नहीं सोचना है कि ये तो किसी और को होगा या कोई और इससे प्रभावित होगा, बल्कि हमारे अपने हम ही लोग इससे प्रभावित होते हैं। ये चीज हमें समझ के चलने की जरूरत है। और देखिए अभी तक बहुत अच्छी बात है कि बच्चों का वर्ग जो है वो सुरक्षित रहा है काफी हद तक, जबकि अभी हमने कुछ एडिनो वायरस के मामले बच्चों में भी काफी तेजी से बढ़ते हुए देखे, बच्चों में भी मृत्यु हुई। हमें ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि ये वायरस लगातार म्यूटेट करता है, और अगर हम इस तरह से वायरस को पनपने देंगे, अगर हम ये सोचेंगे कोई बात नहीं एक लहर और आ जाए, कोई बात नहीं थोड़े से प्रदेशों में और अगर संक्रमण बढ़ता है, तो यहाँ एक रिस्क म्यूटेशन का बहुत ज्यादा हो जाता है। यानी कि यहाँ से एक ऐसा वायरस दोबारा उठ करके आ सकता है जो ज्यादा शक्तिशाली हो, जो डेल्टा जैसा हो या जो बच्चों में प्रहार कर सकता हो। इसलिए लगातार हमें इसको कर्ब करने की, जितना ज्यादा हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं वो प्रयास हमें लगातार करना होगा, और ये केवल सरकार नहीं कर पाएगी जब तक कि लोगों के अंदर एक वो जागरूकता नहीं आएगी। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है तब तक मेरे ख्याल से ये दिक्कत रहेगी। और इसीलिए ये एक जो आपकी भी पहल है कि लोग इस चीज को समझें कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, और हमें लगातार जो एहतियात है उनको बरतने की जरूरत है, अपने इम्यूनिटी लेवल को अच्छे रखने की जरूरत है, मौसम को देखते हुए बाहर पहनकर या उस तरह से निकल करके जाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से मौसम में भी तब्दीलियां आ रही है, तरह तरह के वायरस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और खास तौर से जो शुरुआती लक्षण है उनको पहचानना, क्योंकि ज्यादातर मैंने यही देखा है कि लोग जो शुरू के 3-4 दिन होते हैं उनमें बहुत लापरवाही करते हैं, तब तक आप संक्रमण भी दूसरों को बहुत तेजी से फैला रहे होते हैं, खुद का भी आप ध्यान नहीं रखते, नजरअंदाज करते हैं, ऑफिस भी चले जाते हैं, स्कूल भी चले जाते हैं, कोई भी और काम करना है तो वहां आप चले जाते हैं। ये एक बहुत गलत प्रक्रिया है और यही से संक्रमण तेजी से बढ़ता है। इसलिए जो शुरुआती लक्षण है, खासतौर से बुखार है, गले में दर्द है, बहती हुई नाक है, या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सरदर्द बहुत ज्यादा है, बदन दर्द है, या कुछ लोगों में जैसे हमने देखा है कि उल्टी दस्त की समस्या भी सामने आ सकती है, तो ये लक्षण अगर शुरुआत में दिखाई देते हैं तो इनको नजरअंदाज नहीं करें, इनको लेकर के पूरे में घूमते नहीं रहें, डेफिनेटली रेस्ट करें, खुद को थोड़ा सा आइसोलेट करें, और डॉक्टर से संपर्क करके जो शुरुआती ट्रीटमेंट है वो जरूर लें, इस बात का खासतौर से ध्यान रखें। मनोज सर, जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि भाई दुनिया में एक दिन में औसतन 94,000 केस सामने आ रहे हैं, और अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो जो कुछ राज्य हैं उनमें ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, उन राज्यों में जो है वो दिल्ली है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है और केरल है, तो ऐसा क्यों है कि इन्हीं राज्यों में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, इसके पीछे भी कोई कारण है क्या? देखिए, पिछले बार भी हमने देखा है कि महाराष्ट्र सबसे पहले अफेक्टेड होता है, चाहे जो भी वजह है, वहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की वजह से आते हैं, क्योंकि इस वायरस के बारे में जो XBB.1 और .16 को बोला जा रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा केसेज हैं, और यहीं से ही इंटरनेशनल ट्रैवल से फैला है, कुछ भी हो सकता है, कहना बड़ा मुश्किल होता है। बट आपने हमेशा देखा होगा कि हर पैंडेमिक का जो हॉटस्पॉट है वो महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए, इस बार तेलंगाना में भी है, साउथ में केरला में भी है, और दिल्ली में तो फिर आता ही। बट देखिएगा कि आप जो केसेस के नंबर है उसमें करीब करीब 15 दिन का डिफरेंस होता है, महाराष्ट्र में जब शुरू होता है और दिल्ली में केसेस बढ़ने लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये
यूजुअल ट्रेंड है और इसकी मुख्य वजह मुझे यही लगती है कि एक तो बहुत ज्यादा वहां पे पॉपुलेशन की डेंसिटी है, क्लोज में रहते हैं जिससे वायरल को ट्रांसमिशन पॉसिबल ज्यादा होता है, तो महाराष्ट्र बड़ा हॉटस्पॉट रहता है। और अभी जैसे डॉक्टर स्वाति ने बताया था कि जो वायरस जो घूमता है वो म्यूटेट करता है, केवल आज मनुष्य में ही नहीं वो जानवरों में भी जाता है, वहां भी म्यूटेशन होता है और हमें हमेशा ये डर बना रहता है कि कोई वेरिएंट जो जैसे अभी इनको हम लोग ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का दर्जा दिया है VOI में, बट कब ये चेंज हो जाएगा वेरिएंट ऑफ कंसर्न में कहना बड़ा मुश्किल होता है। डॉक्टर स्वाति, जैसा कि सर जिक्र कर रहे थे कि भाई महाराष्ट्र में हमने पिछली बार भी देखा था आए थे केसेस, लेकिन दुनिया में भी आ रहे हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में दुनिया में आ रहे हैं, दुनिया में 94,000 केसेस हर रोज आ रहे हैं और दुनिया में क्या तबाही मची थी, क्या तस्वीर हम लोगों ने देखी थी, ये किसी से छिपा नहीं है, सब कुछ सामने था। क्या आने वाले वक्त में जब हम ये कहते हैं कि केसेस और ज्यादा बढ़ेंगे, क्या उतने ही खतरनाक होंगे जितना पहले थे, या इस सवाल के जवाब में आपने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि नहीं उतने ज्यादा खतरनाक नहीं होंगे जितने ज्यादा पहले खतरनाक थे, मौतें हो रही हैं अभी भी, उनको कैसे रोका जाए? देखिए, मैं बोलूंगी ये एक रेस है, जो कि वायरस और हमारे जो टीकाकरण का अभियान है या हमारे जो एक्सपोजर का लेवल है उसका एक रेस है जो कि चल रहा है। अभी आप देखिए चीन ने जिस तरह से वैक्सीनेशन अच्छा नहीं करा, लोगों को एक्सपोजर नहीं दिया, और ऐसे में जब उन्होंने दोबारा अपनी सभी लॉकडाउन को ख़त्म करा और लोगों के लिए स्वेच्छा से बाहर निकलने की स्वीकृति दी, तो आपने देखा कि किस तरह से तबाही मची वहाँ पर और किस तरह से संक्रमण जो है वो फैला है। तो हमें ये चीज़ लगातार ध्यान रखनी होगी कि जैसे भारत ने अपने टीकाकरण को गति दी है, विश्व को भी टीकाकरण अभियान को गति देने की ज़रूरत है। अभी भी देखिए बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन है, कुछ देश ऐसे हैं जहाँ टीकाकरण बहुत अच्छा हुआ है, कुछ देश ऐसे जो अभी तक वंचित है, जहां टीकाकरण का दर उतना अच्छा नहीं है, लोगों का एक्सपोजर उतना अच्छा नहीं हो रहा है, और लोग इस वक्त आ जा रहे हैं, आसानी से आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा सकते हैं, इसलिए ये संक्रमण बढ़ने की संभावनाएं हमेशा रहेंगी, म्यूटेट होने की चांसेस रहेंगी। अच्छी बात यही है कि अभी तक हम जितने भी बाहर के देशों से भी वेरियंट्स की बात सुन रहे हैं वो कोई ऐसा बहुत खतरनाक वेरियंट नहीं है, लेकिन कब ये जो है ब्रेकिंग न्यूज की तरह से सामने आ जाए ये कहना बहुत ही मुश्किल है, और इसीलिए सभी जितने भी देश हैं इस वक्त किसी को भी कॉम्प्लिसेंट नहीं होना है, किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोरोना खत्म हो गया या इससे हमें जूझना नहीं पड़ सकता या दोबारा ऐसा मंजर नहीं आ सकता, ये हमें डेफिनेटली समझना है। और एक बात जो डॉक्टर मनोज सर ने बहुत अच्छी यहाँ पर बोली है, हमें ये समझना चाहिए कि देखिए ये बीमारी और बीमारों की तरह से नहीं है कि हर साल हमें कोल्ड और फ्लू हो जाता है या मान लीजिए किसी को टाइफॉइड हो रहा है या इस तरह की छोटी छोटी जो डेंगू या इस तरह की परेशानियां होती हैं, ये ज्यादातर पीछे कोई ऐसा निशान नहीं छोड़ के जाती है, यानी कि ये ज्यादातर हम इनसे पूरी तरह से रिकवर हो जाते हैं, लेकिन कोरोना के साथ हम ये देख रहे हैं कि हम पूरी तरह से दिखते हुए भी रिकवर नहीं हो रहे, यानी कि आप बाहर से तो ऐसा लगता है कि हम पूरी तरह से रिकवर हो गए हैं, अब कोरोना से हमें मुक्ति मिल गई है, लेकिन शरीर के अंदर वायरस जो अपने पदचिन छोड़ के जा रहा है वो बहुत खतरनाक है, वो चाहे हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, खासतौर से हमारे हृदय से जुड़ी जो ब्लड वेसल्स हैं या हमारा जो खासतौर से ऑटो इम्यून सिस्टम हो जाता है, यानी कि जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो इतनी ज्यादा उत्तेजित हो जाती है कि वो शरीर से ही फाइट करने लग जाती है, जिसकी वजह से हम तरह तरह की परेशानियां देख रहे हैं। इसलिए कोरोना को हमें एक साधारण बीमारी नहीं समझनी है, हमें उसे न्योता नहीं देना है और ये नहीं सोचना है कि हो जाए तो कोई बात नहीं, हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम कोरोना से संक्रमित नहीं हो या कोई भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित नहीं हो, और इसलिए डेफिनेटली हमें पूरे एहतियात बरतने की जरूरत है और वैक्सीनेशन के प्रति हमें सजग रहने की जरूरत है कि अगर अभी भी हमने बूस्टर डोज को हल्के में लिया है या ये सोचा है कि कोई बात नहीं अब संक्रमण कम हो गया है तो नहीं लगवाने की जरूरत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। और साथ ही अब जो फ्लू वैक्सीन भी आ रही है वो भी H3N2 को कवर करती है, इसलिए बहुत जरूरी है कि बड़े बुजुर्ग या जिनको पहले से बीमारियां हैं खास तौर से ऐसा वर्ग, वो जरूर H3N2 यानी कि जो फ्लू वैक्सीन इस वक्त मार्केट में है उसको भी लगवाएं, ताकि आप इस फ्लू से H3N2 जो कि इतना ज्यादा फैल रहा है उससे भी और कोरोना दोनों से सुरक्षित रह सके। इसलिए ये कुछ अच्छी बात है कि देखिए वैक्सीन एटलीस्ट अवेलेबल है, वरना ये भी स्थिति थी जब वैक्सीन नहीं थी। डॉक्टर स्वाति, मुझे एक चीज बताइए कि अभी भी लोगों के अंदर पता नहीं क्यों भ्रम है कि वो बूस्टर नहीं लगवाना चाहते, अभी भी पता नहीं लोग क्यों डरते हैं कि नहीं वो बूस्टर नहीं लगवाएंगे, अब या तो सरकार एकदम सख्ती कर दे, खुद से पता नहीं उनके अंदर क्या भ्रम है, ये मैं भी नहीं समझ पाया जब लोगों से बातचीत होती है। तो
देखिए दो बातें हैं, एक मैं ये बोलूंगी कि मुझे लगता है ये भ्रम नहीं है, डर जो है ये एक मेरे ख्याल से लापरवाही है। लोग ज्यादातर ये सोचते हैं कि दो वैक्सीन तो लगवा ली, अब दो वेव्स निकल गई, हमें कोरोना नहीं हुआ, या चलो हुआ तो हल्का फुल्का सा संक्रमण हुआ था, कोई बात नहीं, अब कौन बूस्टर लगवाए। लेकिन ये समझना जरूरी है कि संक्रमण के जो की वजह से जो हमारे शरीर में ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती है और उनकी लड़ने की ताकत जो है वो उतनी अच्छी नहीं रहती, इसलिए डेफिनेटली वैक्सीन लगवाएं। दूसरा, कई बार अभी हमने जो पिछले कई दिनों में देखा कि लोगों को अचानक हार्ट अटैक्स आए और देखते ही देखते मृत्यु हो गई, इसके पीछे भी कई लोगों ने ये फैलाने की कोशिश करी कि वैक्सीन की वजह से ये मृत्यु हो रही है, जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई शायद उनको साथ ऐसा हो रहा है। तो ये भी एक बहुत गलत धारणा है, जो डेफिनेटली मैं आपके द्वारा ये बोलना चाहूंगी कि ये वैक्सीन के कारण नहीं है। जरूर इसके ऊपर शोध हो रहा है और अभी तक भी, क्योंकि इतने करोड़ लोगों को भारत में लग चुकी है और इस तरह से कोई भी ऐसा वैक्सीन का जो है बुरा दुष्प्रभाव सामने नहीं आया है, तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि कोरोना डायरेक्ट हमारे जो हृदय है और उससे जुड़ी जो धमनियां हैं उन सब पर बहुत बुरा असर डालता है और उसी की वजह से कई बार लोगों में हमने देखा है कि एकदम से हार्ट अटैक जैसी समस्या सामने आ रही है। इसलिए वैक्सीन को इसका दोषी नहीं माने और वैक्सीन से जो है मेरे ख्याल से परहेजी नहीं करें, ये मैं जरूर लोगों से अपील करना चाहूंगी कि जितना आप वैक्सीन को सही समय से लगवाते रहेंगे उतना आप सुरक्षित रहेंगे और इस खराब बीमारी से, काफी खराब बीमारी है कोरोना, इससे आप जरूर जो है सुरक्षित हो पाएंगे। मनोज सर, इस बार का जो रिकवरी रेट है वो 98.79% है जो मैं देख रहा था, इसका परसेंटेज ये मेरे ख्याल से ये जिन्होंने वैक्सीन लगवाया, लोगों ने लगवाया, उसी का नतीजा है कि ये बेहतर है। जी वैक्सीन तो नो डाउट कि वैक्सीन से बहुत अच्छी इम्यूनिटी आई लोगों को, जिन्होंने प्रिकॉशन डोज लगाया वो बचे हुए हैं, और जो वैक्सीन हेसिटेंसी है वो एक मुझे लगता है विश्वव्यापी एक कंसेप्ट है या कहिए कि धारणा है, हमारे देश में भी है, बाहर भी के लोगों को भी है। लेकिन सबसे जरूरी है उनको एडुकेट करना है ये कि वैक्सीन विलेन नहीं है, विलेन है आपका कोविड वायरस SARS-CoV-2, जिसकी वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। और हमारी दोनों वैक्सीन जो है, चाहे कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, एफिशिएंट है और सेफ वैक्सीन है। तो जो रिकवरी रेट है, रिकवरी रेट तो अभी अच्छी है, पिछले ओमिक्रॉन का जो 1.15 था उसमें भी रिकवरी रेट काफी अच्छी थी। इसमें दोनों वजह है, एक तो कि हम लोग में थोड़ी सी इनेट इम्यूनिटी या जो इन्फेक्शन की वजह से इम्यूनिटी आई है, साथ में वैक्सीन का बहुत बड़ा रोल रहा है। और इसमें प्रूवन डेटा है कि वैक्सीन लेने के बाद हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम हो गया, आईसीयू में एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है आपको और डेथ नहीं होता है। जहां तक रही बात कि कोविड आपको इन्फेक्ट करेगा तो वो करेगा, उसमें कोई शक नहीं है कि वैक्सीन लेने के बाद भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ, लोगों को कोविड इफेक्ट किया, बट उनका कोविड उतना सीरियस नहीं था। अब खास करके जब से नेजल वैक्सीन आ गई है तो मुझे लगता है कि इसमें डबल इम्यूनिटी मिलेगी आपको, लोकल पैसेज में भी, लोकल इम्यूनोग्लोबुलिन ए बोलते हैं उसका भी होगा फॉर्मेशन, और साथ में सिस्टेमिक भी आपको इम्यूनिटी मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी मुझे लगता है कि बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज लगाना चाहिए। मैं पूरी तरह से वैक्सीन के फेवर में हूँ, शुरू से था, और मुझे लगता है कि वैक्सीन और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, क्योंकि अभी डॉक्टर स्वाति भी जो बिहेवियरल फैटिक की बात कर रहे थे कि हम चलेंगे जाएंगे भीड़ में भी जाएंगे मास्क नहीं पहनेंगे, ये बिहेवियरल फैटिक है। और ये जो एंटी वैक्सीन लॉबी है उसको भी समझाना पड़ेगा कि देखिए वैक्सीन प्रोटेक्टिव है और ये प्रूवन डेटा है। इसमें देखिए कुछ mRNA वैक्सीन की कुछ रिपोर्ट्स आई जिससे पूरा वर्ल्ड में कुछ कुछ बातें हुई, बट हमारे यहाँ जो भी वैक्सीन है उससे बचाव हुआ और हमने बहुत अच्छा एक टीकाकरण का अभियान चलाया था और अच्छे से चल रहा था। बट बीच में कुछ लोग होते हैं जो, मुझे लगता है कि कोई साइंटिफिक या एविडेंस बेस्ड उनका निर्णय नहीं है। मैं तो यही कहूंगा आपके माध्यम से कि हर लोग वैक्सीनेट हों और जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लिया है वो ले लें। डॉक्टर स्वाति, एक आखिरी सवाल और जल्दी से इसका जवाब। कोविड आने के पहले लोग कोविड के बारे में जानते भी नहीं थे और आया, तबाही मचाया और फिर ये स्थिति है। लोग सोच रहे होंगे कि ये कब तक, कितने साल और ये कोविड झेलना पड़ेगा। देखिए मेरे ख्याल से शायद अब ये जाएगा नहीं, किसी न किसी फॉर्म में ये वायरस म्यूटेट होकर के हमारे बीच में ही रहेगा। अभी भी देखिए पुराने ऐसे कई वायरस हैं जिनके लिए हमारे पास टीकाकरण है, जो पहले फैले हैं, लेकिन हम उसको पूरी तरह से विलुप्त नहीं कर पाए हैं। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, हम किसी एक छोटे से एरिया या एक कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, और इसलिए इसको कभी शायद हम खत्म नहीं कर पाए। लेकिन इसकी जो तीव्रता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके फैलने की क्षमता को हम कंट्रोल कर सकते हैं और इसको
जब भी ये फैले इसे जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हम एक अपने लेवल पे कर सकते हैं और वही लगातार सभी एजेंसियां और सरकार करने की कोशिश कर रही है। जैसे कि देखिए, अब जब शुरू में कोरोना का भय था वो धीरे धीरे अब काफी कम हो गया है। शुरू में जो कोरोना से लड़ने की हमारी एक क्षमता थी एज ए डॉक्टर, वो भी अगर मैं बोलूँ की अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पहले हमारे पास ना इतनी दवाइयां थी, ना समझ में आता था कि किस तरह से ये लोग ठीक हो पाएंगे या क्या और कॉम्प्लिकेशन इसमें हो सकते हैं। अब ये सब चीजें बहुत खुलकर सामने आ गई है, दवाइयां भी बहुत आ गई है, टीकाकरण भी हमारे पास है, तो लड़ाई हमारी पहले से बहुत ज्यादा मजबूत है। लेकिन शायद अभी हमें लड़ते रहना पड़ेगा और ये लड़ाई थोड़ा और अभी चल पाएगी, चलेगी जिस तरह से अभी दिख भी रहा है, और अभी कोरोना पूरी तरह से समाप्त हम नहीं कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनोज जी और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो दोनों डॉक्टरों की राय है कि कम से कम आप अगर बूस्टर डोज आपने नहीं ली है तो जरूर लें, और दूसरा ये है कि सावधानी ही बचाव है, अगर आपको बचना है तो सावधान रहना पड़ेगा, जो सरकार की गाइडलाइन है उसको पालन करना पड़ेगा।